हेलो बच्चों तो भाई कैसे हो आप सभी आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला के अमेजिंग पे और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर जहां पर तुम्हारा उदय बैच चल रहा था उसका बालको आज हम लेने वाले हैं लास्ट चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी और मेरे लाल मेरे चीतो मेरे शेर मेरे एकदम बेहतरीन बालको देखो भाई तुम लोगों का इस पूरे पैट बैच को बहुत ज्यादा प्यार मिला मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट जो बच्चे आज पहली बार मुझे देख रहे हैं मैं बता देता हूं भाई मेरा नाम है कमल कौशिक के स्क्वायर भी मुझे बुलाते हैं बालक प्यार से ठीक है और मैथमेटिक्स पढ़ाना मेरा काम है और मेरे लाल देखो भैया सीधी सी बात है ये जो लेक्चर होने वाला है ये होगा तुम्हारे उदय बैच का मैथामेटिक्स का लास्ट लेक्चर मतलब मेरी तरफ से क्लास नाइन्थ का सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से जो सिलेबस है वो यहीं पर ख़त्म हो चुका है क्यों क्योंकि सीबीएसई ने कंस्ट्रक्शन और तुम्हारा प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर्स जो हैं वो सिलेबस से हटा दिए हैं तो यानी कि सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा जो सिलेबस है वो आज इस चैप्टर के साथ खत्म हो जाएगा तो सर क्या इसका मतलब हम जो सांख्यिकी है उसमें एक ही लेक्चर करेंगे हां जी और क्या इसका मतलब हम सांख्यिकी में कोई टॉपिक स्किप करेंगे नहीं सांख्यिकी का तुम्हारा ये जो लेक्चर होने वाला है ये ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे से पौने दो घंटे का होगा ठीक है जिसमें हम सांख्यिकी को वन शॉट में खत्म करने वाले हैं ठीक है एक ही लेक्चर में तुम्हारा ये पूरा का पूरा चैप्टर में कवर कराऊंगा ठीक है और हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहां से क्वेश्चन आते हैं ठीक है, है? बढ़िया चैप्टर है तो शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की ठीक है और आज के तुम्हारे इस के, बैच के उदय बैच के लास्ट लेक्चर की ठीक है तो चलो भाई सबसे पहले देखो भैया आज की क्लास में डिस्कस क्या होना है उसके बारे में बात कर ले रहे हैं तो भैया देखो आज की क्लास में हम सांख्यिकी के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को हम ठीक है उसके बाद आंकड़ों का संग्रह क्या होता है आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण किस तरीके से होता है उसके बाद आंकड़ों का आलेखीय निरूपण क्या होता है ये हम जानेंगे उसके बाद हम देखेंगे हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें ठीक है जो हमें डेटा मिलता है उसका बीच की चीजें निकालना ही हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं ठीक है, है? यहां पर तीन तरीकों की मापों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं माध्य माध्यक और बहुलक ठीक है ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि क्लास टेंथ में तुम इन सब के बारे में तो उतना नहीं पढ़ोगे लेकिन तुम डायरेक्टली पढ़ने वाले हो इसके बारे में ठीक है ये क्या है ये तुम पूरा का पूरा क्लास टेंथ में इसका बड़ा वर्जन पढ़ने वाले हो ठीक है वर्गीकृत आंकड़े जो हैं उनके बारे में तुम यहां पर बात करोगे माध्य माध्यक और बहुलक में अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में तुम यहां पर बात करोगे तो बहुत बेसिक सी अपने ये चैप्टर है क्लास नाइन्थ का बहुत छोटा सा चैप्टर है ठीक है मेनली यहां पर जो फोकस किया गया है वो आंकड़ों पर किया गया है कि आंकड़े क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से दर्शाया जाता है ठीक है तो शुरुआत करते हैं बच्चों एक एक करके सारे चैप्टर्स पर जब पूरे चैप्टर पर चलेंगे पूरे चैप्टर पर नजर मारेंगे हर एक टॉपिक को देखेंगे और कुछ भी स्किप नहीं करेंगे ठीक है चलो तो सबसे पहले हमारे सांख्यिकी की जरूरत क्या है क्या है सांख्यिकी तो देखो सांख्यिकी क्या होती है सांख्यिकी हमारी गणित की वो शाखा है यानी कि वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डेटा को यानी कि आंकड़ों को क्या करते हैं सबसे पहले संग्रहित करते हैं उसके बाद उन डेटा को हम एक सही प्रकार से व्यवस्थित करते हैं उसके बाद उन आंकड़ों को हम क्या करते हैं भैया उन आंकड़ों का हम आकलन करते हैं यानी कि उनका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम उन आंकड़ों से कुछ रिजल्ट निकालते हैं अब तुम कहोगे कि सर ये क्या आपने बोल दिया ये पता नहीं क्या बोल दिया समझ ही नहीं आया तो देखो अब जैसे कि आजकल अभी रिसेंट में वर्ल्ड कप चल रहा था ठीक है मैं तुम लोगों को याद दिलाकर आए नो थोड़ा सा दुखी कर रहा हूं ठीक है बट स्टिल वर्ल्ड कप चल रहा था तो यार वर्ल्ड कप में बहुत सारे डेटा बार बार तुम लोगों के सामने आता है ठीक है तो उन्होंने 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 क्या करा उन्होंने अभी तक जितने जैसे मान लो दिखाया कि आ, कोई टीम अभी तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीती है इसका डेटा उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया उन्होंने अभी तक जितने वर्ल्ड कप आए हैं ठीक है जितने वर्ल्ड कप अभी तक हुए हैं उन सब में जो विनर्स टीम थी उनका डेटा इकट्ठा किया ठीक है

तुम्हारा साल में वर्ल्ड कप जीती है तो इससे क्या हुआ पहला काम आंकड़ों को इकट्ठा किया गया दूसरा काम आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया तीसरा काम अब तुम कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो तुम उन आंकड़ों को एनालिस कर रहे हो यानी कि उन आंकड़ों का आकलन कर रहे हो यानी कि तुम उन्हें पढ़ रहे हो अच्छा 2011 में इंडिया जीती थी यार भाई अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया ने पांच वर्ल्ड कप जीते हैं इतनी तगड़ी टीम है ये हाँ यार अब क्या ही कर सकते हैं डर तो लग रहा है भाई और उसके बाद तुमने क्या निष्कर्ष निकाला तुमने एक रिजल्ट निकाला कि यार मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफी टफ टीम है ठीक है और हो सकता है कि इस साल का वर्ल्ड कप भी वही जीत जाए ठीक है लेकिन फिर तुमने क्या करा फिर तुमने एक और नया डेटा देख लिया कि इस साल वाले वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने दस के दस मैच जीते हैं तो तुम कह रहे हो अब क्या कि यार यहां तो टीम जो है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है ठीक है मजे तो आकलन करके एनालिसिस करके एक और अलग निष्कर्ष निकाल सकते हो कि यार इस डेटा के अकॉर्डिंग तो शायद टीम इंडिया जीत जाएगी ठीक है तो यही क्या है यही सांख्यिकी है जहां पर तुम आंकड़ों को इकट्ठा करते हो उन्हें क्या करते हो व्यवस्थित करते हो उसके बाद उनका आकलन करते हो एनालिसिस करते हो और उसके बाद एक निष्कर्ष निकालते हो तो यही पूरा प्रोसेस जो है वो आपका सांख्यिकी होता है अब देखो आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास किताबें हैं हमारे पास टीवी है हमारे पास न्यूज है ठीक है अब देखो आपके पास अलग अलग तरीके के हमारे आंकड़े हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे तो आंकड़े आपका सांख्यिकी क्या है सांख्यिकी क्यों हम समझते हैं ये सबको समझ में आ गया कि भैया बहुत सारी जगह पर सांख्यिकी का इस्तेमाल होता है जैसे कि एक एग्जांपल तो तुम्हारा क्रिकेट ही हो गया दूसरा न्यूज चैनल वाले जो वेदर की रिपोर्ट दिखाते हैं ठीक है थीके? तीसरा न्यूज चैनल वाले जो किसी भी प्रकार की ट्रेजिडी की रिपोर्ट दिखाते हैं जैसे कि तुमने सुना होगा कि भैया इतने साल में बाढ़ आई थी इतने लोग मारे गए थे इतने लोग ग्रसित हुए थे तो वो भी क्या है वो भी पूरा का पूरा डेटा है जिसे दर्शाया जाता है और दर्शाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जनरली टीवी में अगर तुम देखोगे तो चीजों को दर्शाने के लिए पिक्चर का इस्तेमाल किया जाता है ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है या फिर तुम्हारा सर्कल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अलग अलग जगह अलग अलग वो दिखा रहे हो रखे होते हैं ठीक है तो दो प्रकार से आपके आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है उनके बारे में हम बात करेंगे बट अभी सीधा सीधा यहां पर सांख्यिकी क्या है और कहां ये इस्तेमाल होती है वो सबको समझ में आ गया जैसे कि अब एक ये है ठीक है ये एक न्यूज चैनल का वेदर रिपोर्ट का हिसाब किताब है कि भैया उसने लिखा हुआ है क्या कि भैया इस तारीख को नगरों का जो तापमान था वो कुछ इस तरीके से था कि अहमदाबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री था न्यूनतम तापमान कितना 39 डिग्री था अब तुम यार इस पूरे डेटा को इन्होंने इकट्ठा कर लिया ठीक है एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया कि भैया शहरों के नाम के हिसाब से उन्होंने अधिकतम और न्यूनतम तापमान को व्यवस्थित कर दिया तीसरा अब तुम इस डेटा को पढ़कर आराम से बता सकते हो कि कौन से शहर का तापमान सबसे कम रहा होगा तो भैया कौन से शहर का तापमान सबसे कम रहा है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर जो बेंगलुरु है उसका तापमान सबसे कम रहा है ठीक है तो ये क्या है ये हो गया डेटा का एनालिसिस और तुमने निष्कर्ष क्या निकाला कि भैया सबसे कम तापमान किसका रहा है बेंगलुरु का रहा है या फिर मैं बोलू सबसे अधिक तापमान किसका रहा है अः ध्यान से देखो सबसे अधिक तापमान किसका रहा है सबसे अधिक तापमान आपका देखो जम्मू का गया है इकतालीस डिग्री सेल्सियस ठीक है तो यही क्या है यही तुम्हारा क्या रहा है यही तुम्हारा क्या है सांख्यिकी है जहां पर तुम डेटा को इकट्ठा करते हो और उसका क्या करते हो उसे व्यवस्थित करते हो उसका एनालिसिस करते हो और फिर एक निष्कर्ष निकालते हो ठीक है तो ये सारी चीजें समझ में आ गई अब जैसे कि ये रहा ठीक है एक डेटा ये भी है यूक्रेन और सऊदी अरब को हराया हुआ फुटबॉल विश्व कप का ठीक है तो इस तरीके के पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा करना उन्हें प्रदर्शित करना उसके बाद उन्हें एनालिसिस करना और उसका रिजल्ट निकालना ही हमारा क्या कहलाता है सांख्यिकी कहलाता है ठीक है तो अब देखो यहां पर अब यह बताया जा रहा है कि आंकड़ों का प्रबंधन जो है वो आवश्यक क्यों है ठीक है अब क्यों जरूरी है हम क्यों कर रहे हैं डेटा को व्यवस्थित ठीक है क्यों कर रहे हैं हम क्या फायदा हो रहा इस फायदा है इससे हमें ठीक है फायदे तो मैं तुम्हें ऑलरेडी गिना चुका हूं कि भैया फायदा आसान है डेटा को आसानी से पढ़ा जा सकता है उसे समझकर आसानी से उसका रिजल्ट निकाला जा सकता है निष्कर्ष निकाला जा सकता है तो एक निश्चित तो उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं आंकड़े कहलाते हैं सबसे पहली चीज तो आंकड़े बता दिया कि क्या हो गया कि भैया कोई एक फिक्स चीज मैंने दिमाग में रखी ठीक है और उसके बाद मैंने इकट्ठा करा एक पूरे के पूरे क्या तथ्यों को ठीक है अब उसमें संख्या भी हो सकती है और हो सकता है कि उसमें संख्या के अलावा कुछ और पद भी हो ठीक है तो वो हमारे क्या हो गए आंकड़े हो गए फॉर एक्साम्पल जैसे कि मैं तुम लोगों की क्लास में आया और मैं तुम लोगों की क्लास में बोला कि एक काम करो जिन जिन बच्चों के नंबर कोई 20 नंबर कोई का टेस्ट हुआ होगा मान लो तुम्हारा और मैंने बोला कि जिन जिन बच्चों के नंबर पंद्रह से ऊपर आए हैं वो सारे बच्चे अपना नाम मुझे एक पेपर पे लिख कर दे दो अब ये क्या हुआ ये तुम्हारा हुआ कि तुम्हारा जो एक पूरा का पूरा डेटा है वो मैंने इकट्ठा कर लिया ठीक है पूरा का पूरा एक डेटा जो है वो तो मैंने इकट्ठा कर लिया अब यहां पर डेटा किस रूप में है संख्याओं के रूप में नहीं है यहां पर डेटा तुम्हारा किस रूप में है तुम्हारे नाम के रूप में क्योंकि पंद्रह से ऊपर वाले जितने भी बच्चे होंगे वो सब अपना नाम उस पेपर पे लिखेंगे तो उस पेपर में तुम्हारा क्या आ गया पूरा का पूरा डेटा आ गया वहीं पर अगर मैं बोल दू कि एक काम करो जिन बच्चों के नंबर पंद्रह से ऊपर है वो सारे बच्चे अपना क्या करो रोल नंबर वहां पर मैंशन कर दो या फिर मैं तुम्हें बोल दू कि भैया एक से बीस रोल नंबर तक के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे अपने जो टेस्ट में नंबर आए हैं उन्हें एक पेपर पर मुझे लिख कर दे दो तो तो अब यहां यहां पर पर क्या हुआ यहाँ पर जो तुम्हारा डेटा था वो नंबरों के रूप रूप में में आ आ गया गया तो संख्यात्मक आंकड़े हमारे यही होते हैं जब हम किसी निश्चित चीज को दिमाग में रखते हुए कि हमें ये रिजल्ट निकालना है ठीक है जैसे मान लो मैं तुम्हारी क्लास में आया मैंने नंबर मांगे तो मेरे दिमाग में क्या रहा होगा मुझे चेक करना है कि सबसे ज्यादा नंबर और सबसे कम नंबर किसके आए तो मैं तुम्हारी क्लास में जाऊंगा मैं बोलूंगा कि भैया तुम्हारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे अपने नाम और उनके जो टेस्ट में नंबर आए हैं उन्हें लिख दो पेपर पे तो मैं बस क्या देखूंगा जब तुमने मुझे पेपर वापस किया मैं देखूंगा अच्छा सबसे ज्यादा नंबर राहुल के हैं सबसे कम नंबर शिवम के हैं खत्म बात तो मेरा क्या हुआ एक निश्चित उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए मैंने क्या करा तथ्यों को संग्रहित करा तो वो क्या कहलाता है वो आंकड़े कहलाता है ठीक है अब जैसे कि यही वो एग्जाम्पल है जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये सारे रोल नंबर और नाम के हिसाब से अब देखो डेटा को संग्रहित करना क्यों जरूरी है, है? है, है? है कि कि किसके सबसे, किस सबसे कम नंबर है तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा थे लेकिन जब तुमने मुझे वो चीज पेपर पर कर दे दी एक सही क्रम में कर दे दी कि भैया रोल नंबर वाइज मुझे पता चल गया और नाम के हिसाब से अब मुझे पता चल गया कि किस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर है और किस बच्चे के सबसे कम नंबर है मैं से से आराम से देख सकता हूं कि भैया सबसे ज़्यादा नंबर जो है, वो हमारे 48 नंबर है आशीष के रोल नंबर तीन मुझे सारी चीजें पता लग गई बच्चे का नाम आशीष रोल नंबर क्या है तीन और सबसे कम नंबर किसके हैं सबसे कम नंबर है तेहरा जो कि है जय रोल नंबर सेवन तो यहां से क्या हुआ डेटा को अगर मैं अच्छी तरीके से प्रबंधित कर देता हूं डेटा को मैं अगर अच्छी तरीके से रख लेता हूं संग्रहित कर लेता हूं तो उससे निष्कर्ष निकालना रिजल्ट निकालना आसान हो जाता है काफी ज्यादा ठीक है चलो भाई अब देखो यहां पर क्या है सांख्यिकी के बारे में बताया गया है जो परिभाषा अभी तक मैं बता रहा था वही लिखी हुई है सांख्यिकी का अर्थ है वह विषय जिसमें आंकड़ों को संग्रह करके प्रस्तुतिकरण करके विश्लेषण करके अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में भी अध्ययन किया जाता है मतलब वही है कि डाटा को आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा उसके प्रस्तुत किया जाएगा उसके बाद उसका विश्लेषण यानी कि आकलन यानी कि एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद उसका क्या किया जाएगा भैया उससे एक अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाला जाएगा अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाला जाएगा क्लियर हो गई बात चलो अब देखो भैया आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं ठीक है सबसे पहले हमारे पास आता है कि भैया मैंने तुमसे बोला तुम्हारी क्लास में आया मैं कहा अपने जो एक से दस तक रोल नंबर वाले बच्चे हैं वो अपने नंबर लिख दो तो ये लिख दिए तुमने गणित की परीक्षा में दस विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लीजिए ये हो गए तुम्हारे दस विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ठीक है ये क्या हो गए? ये हो गए तुम्हारे दस विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ठीक है सिंपल सी चीज है ये तो सबको क्लियर है दस विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये तो सबको क्लियर है चलो जी अब देखो अब इसके बाद यहां पर हमारे आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए तीन चार तरीके की चीजें होती हैं ठीक है अब ये तीन चार तरीके की चीजें कौन कौन सी होती हैं एक बार जल्दी से क्लियर कर लेते हैं ठीक है अगर तुम अपनी किताब उठाकर देखोगे तो तुम्हें सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्टली आंकड़ों का आलेखीय निरूपण है ठीक है उन्होंने तुम्हारे सिलेबस में से ये सब चीजें हटा दी है ठीक है कि आंकड़ों का जो सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि आंकड़ों का निरूपण आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जो है वो तुम लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है ठीक है डायरेक्टली तुम लोगों के सिलेबस में आंकड़ों का आलेखीय निरूपण है, है। बट मैं ये समझा रहा हूं क्योंकि इस इसके बिना आलेखीय निरूपण नहीं होगा ठीक है इसके बिना आलेखीय निरूपण नहीं होगा अब देखो भाई जैसे कि तुम्हारा सबसे पहले आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण आता है तो उसमें तुम्हारे आते हैं दो प्रकार के क्रम ठीक है ये तुम्हारे सामने आंकड़े दिए हुए हैं दस बच्चों के नंबर इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है दो प्रकार जिससे तुम आंकड़ों को निरूपित कर सकते हो जो कि है सबसे पहला आरोही क्रम इनके बारे में तुमने सुना भी होगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम अब आरोही क्रम कौन से होते हैं आरोही पर्वतारोही पर्वतारोही कौन से होते हैं जो पहाड़ चढ़ते हैं तो आरोही यहां से समझ जाओ इस तरीके से कर, कनेक्ट करोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी आरोही मतलब पर्वतारोही पर्वतारोही क्या करते है? हैं पहाड़ चढ़ते हैं यानी कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो आरोही क्रम में क्या होगा आप नीचे से ऊपर जाओगे यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाओगे तो जब आंकड़ों को छोटे क्रम से बड़े क्रम में लगाया जाता है छोटे नंबर से बड़े नंबर के क्रम में लगाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं आरोही क्रम तो इसमें जैसे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है सबसे छोटा नंबर है हमारा पच्चीस ठीक है सबसे छोटा नंबर है पच्चीस उसके बाद उससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है भाई पच्चीस के बाद है हमारा पच्चीस के बाद है हमारा छत्तीस छत्तीस के बाद है हमारा छत्तीस 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 बयालीस ठीक है बयालीस के बाद है पचपन और तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे ठीक है पचपन के बाद है साठ ठीक है साठ के बाद है तुम्हारा क्या साठ के बाद है बासठ बासठ के बाद है तुम्हारे पास कितना तुम्हारा तिहत्तर उसके बाद है पिछहत्तर उसके बाद है अठहत्तर उसके बाद है तुम्हारा पंचानवे तो ये हो गया तुम्हारा दस बच्चों का क्या दस बच्चों के जो प्राप्त अंक थे उनके आंकड़ों का या प्राप्त अंकों का आरोही क्रम तो यहां पर अब तुम डायरेक्टली देखो इस डेटा में से यह ढूंढना थोड़ा मुश्किल था कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है या किसी बच्चे के सबसे ज्यादा अंक कौन से हैं लेकिन इस डेटा में यह ढूंढना बहुत आसान है कि सबसे ज्यादा अंक वाला बच्चा कौन सा है पंचानवे अंक वाला बच्चा है आपका कौन सा सबसे ज्यादा अंक वाला बच्चा कौन सा है पंचानवे अंक वाला सबसे कम अंक वाला बच्चा कौन सा है पच्चीस अंक वाला तो ये क्या हो गया आरोही या फिर अवरोही क्रम में लगाकर आंकड़ों को तुम आराम से पता लगा सकते हो कि भैया आपका कौन सा बच्चा या फिर कौन से लोग सबसे कम वाले हैं और कौन से लोग सबसे ज्यादा वाले ठीक है तो आरोही और अवरोही क्रम में ये होता है आरोही क्रम में क्या होता है आंकड़ों को छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लगाया जाता है और अवरोही इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है आरोही में छोटे से बड़े पे लगाते हैं तो अवरोही में बड़े से छोटे में लगा देते हैं सीधी सी बात है ठीक है आरोही में बड़े से छोटे पर लगाते हैं तो अवरोही में छोटे से बड़े पर लगा देते हैं सीधा सीधा नो no डाउट जैसे कि तुम्हारा सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर पंचानवे उसके बाद उससे छोटा नंबर यानी कि अठहत्तर उसके बाद उससे छोटा नंबर यानी कि पिछहत्तर उसके बाद उससे छोटा नंबर यानी कि तिहत्तर उसके बाद उससे छोटा नंबर बासठ फिर साठ फिर पचपन फिर बयालीस उसके बाद हमारा छत्तीस और फिर पच्चीस तो ये क्या हो गया ये हो गया आंकड़ों का अवरोही क्रम ठीक है जब आंकड़ों को छोटे से छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लगाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं आरोही क्रम और जब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ लेकर जाया जाता है उसे बोलते हैं हम हमारा क्या बच्चों उसे बोलते हैं हम हमारा अवरोही क्रम क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई बात आगे समझ में जल्दी बताओ भाई क्लियर है सबको ये चलो बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार अब देखो हाँ जी तो यहां से अगर अब अब मैं बात करूं तो अब हमारे पास दूसरा तरीका आता है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का ठीक है और वो है क्या वो है हमारा देखो ये थे हमारे अवर्गीकृत आंकड़े ठीक है ये थे हमारे अवर्गीकृत आंकड़े अब आंकड़ों को प्रस्तुत करने का हमारे पास दूसरा तरीका आता है जो कि है वर्गीकृत आंकड़े जिसमें सबसे पहली चीज हमारे पास आती है बारंबारता सारणी ठीक है ये नाम आप पहली बार नहीं सुन रहे हो ये नाम आप आगे बहुत बार सुनोगे क्लास टेंथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये ठीक है बारंबारता सारणी ठीक है अब जैसे कि यहां पर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि यार ठीक है ये दिया हुआ है आंकड़ा ठीक है एक विद्यालय में नवी नवी कक्षा के तीस विद्यार्थियों द्वारा सौ में से प्राप्त अंकों का आंकड़ा दिया हुआ है तुम्हें अब दिक्कत क्या है इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ठीक है आरोही या अवरोही क्रम में मैं लगाने जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं यार अभी तो तीस है हो सकता है किसी क्लास में पचास हो सकता है किसी क्लास में सौ बच्चे हो या अस्सी तो उस टाइप के आंकड़ों को इतने बड़े नंबर को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे इतने बड़े नंबरों को हम कैसे प्रस्तुत करेंगे तो उसके लिए हमारे पास आती है बारंबारता सारणी ठीक है यह होती है बारंबारता सारणी ठीक है यह आती है हमारे पास और यह है वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि तुम लोगों को बार बार पढ़नी पड़ेगी इस पूरे चैप्टर में ठीक है अब ये होती क्या है तो बारंबारता सारणी में हम कुछ नहीं करते बारंबारता सारणी में हम क्या करते हैं हम जो भी हमें आंकड़े दिए होते हैं वो आंकड़े कितनी बार आ रहे हैं ठीक है उसे उसकी बारंबारता बोली जाती है जैसे कि आपको यहां पर अलग अलग आंकड़े दिए यहां पर आपको तीस बच्चों के आंकड़े दिए हुए हैं कि तीस बच्चों के अंक कितने आए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे हमने सारे नंबर यहां पर लिख लिए ठीक है जितने भी नंबर थे हमने सारे यहां पर लिख लिए कितने कितने नंबर थे दस बीस छत्तीस पंचानवे चालीस पचास जितने भी नंबर है वो सब तुमने यहां पर लिख लिए ठीक है और वो भी बड़े से छोटे क्रम में अब तुमने देखा कि वो नंबर कितनी कितनी बार आ रहे हैं जैसे कि सबसे पहले तुमने चेक किया दस नंबर कितनी बार आ रहा है तो तुम देखोगे दस नंबर कितनी बार आ रहा है भाई दस नंबर केवल एक बार आ रहा है ठीक है इसके अलावा तो कहीं और नहीं आ रहा दस नंबर

और कहीं है छत्तीस देखो दो ठीक है तीन तो छत्तीस जो है वो हमारा टोटल तीन बार आ रहा है छत्तीस जो है वो हमारा टोटल तीन बार आ रहा है तो ये क्या हो गई हमारी ये हो गई हमारी छत्तीस की बारंबारता जो कि है तीन ठीक है एक तरीका और होता है इसमें और वो है टेलीमार्क वाला तरीका ठीक है टेलीमार्क वाला तरीका भी बिल्कुल यही है उसमें कुछ नया नहीं है जैसे मैं बता देता हूं इधर तुम्हारे अंक आ गए ठीक है बीच में हो गए टेलीमार्क कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मैं बताता हूं टेलीमार्क से बारंबारता कैसे बनती है देखो टेलीमार्क और फिर आ गया बारंबारता ठीक है फिर आ गई बारंबारता अब ये हो गया तुम्हारे पास कितना ये हो गया दस बीस मैं पूरी नहीं लिखूंगा छोटी सी सारणी बना रहा हूं दस बीस छत्तीस चालीस और आपका अट्ठासी यहां पर हम अट्ठासी को दो तीन बार और लिख लेते हैं नब्बे पंचानवे अट्ठासी और अट्ठासी तो अब ये कितने बच्चों की सारणी हो जाएगी अब ये कितने बच्चों की सारणी हो जाएगी तीस तो पहले थे एक दो तीन चार पांच और हमने ऐड कर दिए तो ये आपकी कितने बच्चों की हो गई पैंतीस बच्चों की सारणी समझ लो एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने बताया ये टेली मार्क से ठीक है तो अब देखो टेलीमार्क का, का काम क्या होता है टेलीमार्क का, का काम होता है कि तुम्हारी इस चीज को आसान कर देना कि तुम बारंबारता में गलती ना करो ठीक है तुम बारम्बारता लिखने में गलती ना करो इस चीज को आसान कर देना ये काम तुम्हारा टेलीमार्क का होता है जैसे कि तुम्हारा तुम क्या करते हो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर डायरेक्टली दस की कितनी बारम्बार्ता दी एक ठीक है तो हमने एक लिख लिया यहां पर तुम क्या करते हो इस चीज को थोड़ा दिखा देते हो पहले जैसे कि तुम्हारी दस की बार कितनी बार आया हुआ है दस आया हुआ केवल एक बार तो तुमने यहां पर एक मार्क लगा दिया ठीक है और इसकी बार ठीक है बीस कितनी बार आया हुआ है केवल एक बार तो बीस के आगे भी तुमने एक मार्क लगा दिया बीस की बारम्बार्ता हो गई एक ठीक है छत्तीस कितनी बार आया हुआ है छत्तीस आया हुआ तुम्हारा एक दो और तीन बार ठीक है तो तुमने छत्तीस के आगे तीन टेलीमार्क लगा दिए एक दो तीन और छत्तीस की बारंबारता तीन। कोई खास फायदा है नहीं इसका बट वही है कि भाई तुम्हारे पेपर में अगर कहीं तुम्हें गलती से देखने को मिल जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए टेलीमार्क होता क्या ठीक है चालीस की कितनी बारंबारता है भाई चालीस एक दो तीन चार तो चालीस आ रहा है चार बार चालीस के आगे तुमने लगा दी एक दो तीन चार ठीक है कई बार क्या होता है पेपर में तुम्हें यह दे देगा इस तरीके से बताऊंगा मैं अभी क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है टेलीमार्क से ठीक है अठासी की बात करते हैं अठासी की बारंबारता कितनी है एक दो तीन चार ठीक है और कहीं है अठासी और कहीं है अठासी देखो भाई अठासी की बारंबारता भी हमारी कितनी अठासी की बारंबारता भी है हमारी कितनी चार अगर मान लो मैं यहां पर ये नब्बे की जगह पर और सौ की जगह पर साठ ले लो साठ साठ की बारंबारता देखना कितनी होगी साठ की बारंबारता बताओ मुझे तो साठ की बारंबारता हो जाएगी तुम्हारी कितनी एक दो तीन चार पांच छह तो साठ आ रहा है तुम्हारा छह बार तो इसे टेलीमार्क मार्क से कैसे दिखाएंगे देखो भाई साठ को अब टेलीमार्क मार्क साठ कितनी बार आ रहा है साठ आ रहा है छह बार तो छह बार को दिखाने के लिए बच्चों थोड़ा अलग तरीका होगा कैसे यहां पर पांच को तुम इस तरीके से दिखाओगे पांच को दिखाने के लिए तुम पांच डंडे नहीं बनाओगे तुम पांच को दिखाने के लिए पांच डंडे नहीं बनाओगे तुम क्या बनाओगे एक दो तीन चार चार डंडे बनाए और उसे काट दिया चार डंडे बनाए और उसे काट दिया तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा पांच एक दो तीन चार और फिर उसे काट दिया तो इसका मतलब हो गया पांच साठ की बारंबारता कितनी थी छह थी तो एक दो तीन चार पांच आ गया और ये आ गया ठीक है तो यानी कि इसकी बारंबारता हो गई छह तो इस तरीके से ये बनती है बच्चों तुम्हारी बारंबारता बारंबार टेलीमार्क की सहायता से अब तुम पूछोगे कि सर टेलीमार्क से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके के आते हैं वो तुम्हें दे देगा ये एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एक दो तीन अब वो तुमसे पूछ लेगा बताओ ये कितनी बार है ये कितनी बार है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि टेलीमार्क को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसका मतलब क्या है एक दो तीन चार पांच इसका मतलब है पांच एक दो तीन चार पांच इसका मतलब है पांच और एक दो तीन इसका मतलब है तीन तो कितनी हो गई टोटल बारंबारता पांच पांच दस तीन तेरह तो बारंबारता हो गई तेरह तो ये है आपकी क्या ये है बच्चों आपकी अवर्गीकृत आंकड़ों की सबसे पहली बारंबारता सारणी ठीक है जहां पर आपको आंकड़े दिए होते हैं आप उन्हें आरोही क्रम में लगाते हो और उसके बाद टेलीमार्क की सहायता से उसकी बारंबारता दिखा देते हो ठीक है अब ये तो चलो ठीक है ये तो फिर भी तीस चालीस बच्चों का डेटा था ये तो फिर भी तीस चालीस बच्चों का डेटा था अब तुम अगर पूरे स्कूल की बात करो पूरे स्कूल की बात करते हैं हम ठीक है तो पूरे स्कूल की बात करते हुए या फिर मैं बात करता हूं पूरे एक क्लास सेक्शन क्लास नाइन्थ के सारे सेक्शन की क्लास नाइन्थ के सारे की और मैं तुमसे कहता हूं कि भैया क्लास नाइन्थ के सारे सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके अः जो मैथ्स के नंबर हैं वो मैंने लिख रखे हैं ठीक है तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे इतने सारे नंबर लिखे होंगे ठीक है और इतने सारे नंबर्स को तुम आरोही अवरोही क्रम में भी नहीं लगा सकते और इतने सारे नंबर को तुम भैया अपना जो तुम्हारी बारंबारता बारंबारता सारणी तुमने पढ़ी है अवर्गीकृत सारणी उसमें भी नहीं लगा सकते क्यों क्योंकि यार इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा टेलीमार्क बनाने में बारंबारता बनाने में तो अब क्या करें भाई तो देखो यहां पर हम करते हैं हमारा क्या यहां पर हम करते हैं बच्चों आंकड़ों का वर्गीकरण ठीक है क्या करते हैं यहां पर हम यहां पर हम करते हैं हमारा आंकड़ों का वर्गीकरण ठीक है चलो तो देखो भाई पर हमारे पास आता है क्या आंकड़ों का वर्गीकरण जैसे अब इतना बड़ा डेटा कई बार क्या होता है और किस तरीके से हमें दर्शाते हैं देखो ये जो हमने प्रस्तुतिकरण कराया ना अभी आंकड़ों का इसे हम आलेखीय रूप से भी दिखाएंगे और वो बहुत आसान होगा ठीक है ना देखते हुए चलना ठीक तो अब क्या है अब ये जो आंकड़े हैं इन्हें दर्शाने में हमारी बचती है बैठ क्यों क्योंकि भैया बहुत सारे आंकड़े हैं इनमें कहीं पता लग रही है कोई सा नंबर मैंने छोड़ दिया मान लो चार बार आ रहा है और मैंने गलती से देखा आ रहा है तीन बार बस हो गया काम आंकड़े गलत हो गए हमारे बैठे बैठे तो इसीलिए इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं हमारा चिन्हों का ठीक है हम इस्तेमाल करते हैं हमारा वर्गीकरण का, हम वर्गी का। यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर हम बना लेते हैं हमारा डेटा यानी कि आंकड़े इस तरीके से ठीक है हम क्या करते हैं हम यहाँ पर ग्रुप बना लेते हैं जैसे कि तुम्हें हम क्या करते हैं यहाँ पर डेटा बना लेते हैं यहां पर क्या लिखा है वन, वन, वन महोत्सव में दौरान सौ विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में सौ पौधे लगाए गए एक महीने बाद लगाए गए पौधों में से बच गए पौधों की संख्या निम्न थी मतलब कि आपका सौ विद्यालयों में पौधे लगाए गए और उन विद्यालयों में से जो आपके पौधे थे वो इतने पौधे बचे हुए थे सौ पौधों में से इतने इतने पंचानवे बचे हुए थे सौ में से दूसरे में सौ में से सड़सठ बचे हुए थे तीसरे में सौ में से अट्ठाईस बचे हुए थे तो इस तरीके से आपके इतने इतने पौधे बचे हुए थे तो आपने क्या करा आपने यहाँ पर ग्रुप बना लिया आपने कहा इतने बड़े डेटा को दिखाना आसान नहीं है तो आपने क्या करा आपने सिंपली ग्रुप बना लिया आपने बोला कि ठीक है मैं ऐसा बोलता हूं कि बीस से लेकर उनतीस तक बीस से लेकर उनतीस तक जितने भी आपके पौधे जिस स्कूल में बचे हुए हैं वो सारे के सारे इसके ग्रुप के अंदर आ जाएंगे दूसरा फिर 30 से लेकर उनतालीस तक जिस भी स्कूल में पौधे बचे हुए हैं वो सारे के सारे दूसरे वाले सेक्शन में आ जाएंगे ठीक है कैसे देखो अब 20 से उनतीस वाले कितने स्कूल है ऐसे स्कूल जिसमें बीस से उनतीस पौधे बचे हुए तो देखो अट्ठाईस सबसे पहला एक बीस से उनतीस की बात कर रहे हैं हम एक आ, कहां गए भाई कोई नहीं है क्या दो तीन बीस से उनतीस वाले हमें अभी तक ये तीन ही स्कूल मिले तो 20 से से बारंबार वाले कितने पौधे हैं ठीक है, तो है, कितने है? कितने है? ये कितने पौधे हैं हमारे ये पौधे कितने तीस से उनतालीस वाले पौधे ढूंढो भाई तो देखो भैया तीस से उनतालीस वाले पौधे कहा है तीस से उनतालीस वाले पौधे कहा गया भाई सबसे पहला तीस से उनतालीस वाला सबसे पहला पौधा है एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो टोटल चौदह पौधे मिले हमें तीस से उनतालीस वाले ठीक है तीस से उनतालीस वाले टोटल चौदह पौधे मिले तो इसकी भैया बारम्बार तक कितनी हो जाएगी चौदह तो भैया सबसे पहले एक दो तीन चार पांच काट दिया एक दो तीन चार पांच 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 दस और फिर एक दो तीन चार चार चौदह लेकिन अब देखो ये तो बहुत ईजी है ठीक है वर्गीकृत आंकड़ों की जो बारंबारता सारणी है ये बनाना बहुत ईजी है लेकिन अब क्या दिक्कत होती है ठीक है यहां पर एक तरीके की और दिक्कत होती है क्या देखो भाई यहां पर क्या है यहां पर आपके पास अगर मान लो बीच में आ जाए दशमलव वाले अंक ठीक है बीच में आ जाए दशमलव वाले अंक जैसे कि यहां पर अब तुम्हें डेटा दिया हुआ है आइए अब हम निम्नलिखित बारंबारता सारणी लें जिनमें एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों का भार दिया हुआ है मतलब 38 विद्यार्थियों का भार दिया हुआ है कि इकतीस से 35 किलो वाले नौ बच्चे हैं छियालीस से छत्तीस से 40 किलो वाले पांच बच्चे हैं इकतालीस से पैंतालीस किलो वाले चौदह बच्चे हैं छियालीस से पचास किलो वाले तीन बच्चे हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है इस इस सारणी सारणी में में अभी दिक्कत दिक्कत क्या है? इस सारणी में दिक्कत ये है, मान लो कोई बच्चा है जो कि आपका दशमलव चालीस दशमलव पांच किलोग्राम का है ठीक है।, है तो अब इसे हम कैसे यहां पर फिट करेंगे यहां पर तो ये कहीं भी नहीं आ रहा यहां पर तो ये कहीं भी नहीं आ रहा क्योंकि चालीस दशमलव यहां चालीस है यहां इकतालीस तो इन दोनों के कहीं बीच में आ रहा है ठीक है ये इन दोनों के कहीं बीच में आ रहा है तो ये तो दिक्कत वाली बात है भाई ये तो दिक्कत वाली बात है अब देखो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर हमारे पास आता है मैं तुम्हें अब एक एक चीज समझाता हूं पहले बारम्बार था के बारे में ठीक है क्या होती है कैसे होती है वर्ग अंतराल क्या होता है ठीक है वर्ग अंतराल के प्रकार क्या होते हैं वो मैं समझाता हूँ तो देखो सबसे पहले आपका जो ये आप बनाते हो क्या ये जो आप ग्रुप बनाते हो ये जो आप समूह बनाते हो आंकड़ों का इन्हें बोला जाता है क्या बोला जाता है भाई इन्हें बोला जाता है वर्ग अंतराल क्या बोला जाता है वर्ग अंतराल अब ये जो वर्ग अंतराल होते हैं ये जो वर्ग अंतराल होते हैं जैसे कि मैंने यहां पर इसे लिखा वर्ग अंतराल ठीक है तो जैसे कि ये लिखा हुआ है इकतीस से 35 तो इन वर्ग अंतरालों में जो पहला लिखा हुआ नंबर होता है ठीक है जो पहला लिखा हुआ नंबर होता है इसे बोला जाता है बच्चों निचली सीमा क्या बोला जाता है भाई निचली सीमा ठीक है दूसरा जो ये दूसरा नंबर लिखा होता है इसे बोला जाता है ऊपरी सीमा मतलब जो पहले नंबर लिखा होगा उसे बोला जाएगा निचली सीमा और जो बाद में नंबर लिखा होगा उसे बोला जाएगा ऊपरी सीमा जैसे कि यहां पर निचली सीमा कितनी है छियालीस यहां पर ऊपरी सीमा कितनी है पैंसठ यहां पर निचली सीमा कितनी है छत्तीस ऊपरी सीमा कितनी है चालीस यहां पर निचली सीमा कितनी है पिछहत्तर ऊपरी सीमा कितनी है पचपन ठीक है तो किसी भी वर्ग अंतराल में जो पहले नंबर लिखा होता है उसे हम बोलते हैं निचली सीमा दूसरे नंबर को हम बोलते हैं ऊपरी सीमा ठीक है अब यहां पर हमारे पास दो प्रकार के वर्ग अंतराल आते हैं बच्चों एक आता है समावेशित वर्ग अंतराल जो कि हमारे पास सामने ये लिखा हुआ है ठीक है और दूसरा आता है हमारे पास विशिष्ट वर्ग अंतराल अब ये दोनों होते क्या है देखो भाई समावेशित वर्ग अंतराल जहां पर यह समावेशित का एग्जाम्पल है जहां पर आपका दो क्रमागत वर्ग अंतरालों की मान लो आपने दो क्रमागत वर्ग अंतराल लिए जैसे कि इकतीस इन कोई से भी ले लो कोई से भी दो ले लो मैंने ले लिया छियालीस से पचास और आपका छप इक्यावन से कितना पचपन तो जब किसी बारंबारता सारणी में जब किसी बारंबारता सारणी में दो क्रमागत वर्ग अंतरालों में से पहले वाले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा पहले वाले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा दूसरे वाले वर्ग अंतराल के निचली सीमा के बराबर ना हो जैसे कि यहां पर नहीं है यहां पर नहीं है तो इन्हें हम बोलते हैं समावेशित वर्ग अंतराल क्या बोलते हैं भाई इन्हें हम बोलते हैं समावेशित वर्ग अंतराल समझ में आया क्या कि जब आपका पहले वाले वर्ग अंतराल में दो क्रमागत वर्ग अंतरालों में पहले वाले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और दूसरे वाले वर्ग अंतराल की निचली सीमा बराबर ना हो तो उसे हम बोलते हैं समावेशित वर्ग अंतराल और इस टाइप के केस में ही आपके साथ दिक्कत होती है ये वाली जो मैंने अभी बोली कि यार अगर किसी बच्चे का वजन जो है वो इकतालीस दशमलव वो मतलब वो चालीस दशमलव पांच है वजन तो हो सकता है ना या चालीस दशमलव आठ है कोई लड़का चालीस दशमलव आठ किलो का है अब भाई वो कैसे आएगा ना तो वो चालीस वाले वर्ग अंतराल में आ रहा ना वो इकतालीस वाले वर्ग अंतराल में आ रहा कहां रखू मैं उसे तो इस तरीके की दिक्कत समावेश वर्ग अंतराल में होती है और इसी दिक्कत को सुधारने के लिए हमारे पास दूसरे प्रकार का वर्ग अंतराल आता है जिसे हम बोलते हैं क्या जिसे हम बोलते हैं हमारा विशिष्ट वर्ग अंतराल क्या बोलते हैं भाई विशिष्ट विशिष्ट वर्ग अंतराल अब इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है भाई इसमें हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि सबसे पहले आपका दो क्रमागत वर्ग अंतराल अगर तुम उठाओगे जैसे कि यहां पर तुमने दो क्रमागत वर्ग अंतराल उठाए तो ये हो गया आपका कितना तीस दशमलव पांच से पैंतीस दशमलव पांच और दूसरे वाले वर्ग अंतराल है पैंतीस दशमलव पांच से चालीस दशमलव पांच ठीक है तो यहां पर आपका दो क्रमागत वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा में से पहले वाले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा दूसरे वाले वर्ग अंतराल की निचली सीमा के बिल्कुल बराबर आ गई है ठीक है तो इस तरीके के वर्ग अंतराल को हम बोलते हैं विशिष्ट वर्ग अंतराल जो कि यह है ठीक है विशिष्ट वर्ग अंतराल ठीक है अब यहां पर एक दिक्कत आती है हमारे पास सबसे कॉमन दिक्कत वो क्या है कि सर अगर मान लो हमारे पास चालीस दशमलव पांच है तो ये जो चालीस दशमलव पांच है ये अब कहां पर काउंट होगा किसी बच्चे का वजन है चालीस दशमलव पांच ठीक है तो उसे मैं कहां पर काउंट करूं उसे मैं 35.5 से 40.5 में काउंट करूं या फिर 40.5 से 45.5 में काउंट करूं क्योंकि 40.5 तो दो जगह आ रहा है तो सर इसे कौन से वाले में काउंट किया जाए तो हमेशा याद रखना अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा आंकड़ा है जो कि दोनों वर्ग अंतरालों में आ रहा है तो वो हमेशा उस वर्ग अंतराल में काउंट किया जाता है जिसकी वो निचली सीमा है जिसकी वो निचली सीमा है ठीक है आंकड़ा आपका हमेशा उस अंतराल में काउंट किया जाएगा जिसकी वो निचली सीमा है क्लियर हो गई बात यानी कि अगर तुम्हारे पास पचपन दशमलव पांच आ जाए तो पचपन दशमलव पांच कहां पर काउंट किया जाएगा भाई पचपन दशमलव पांच आपका इसमें काउंट नहीं किया जाएगा पचपन दशमलव पांच को आप यहां पर काउंट करोगे दूसरे वाले वर्ग अंतराल में नीचे वाले वर्ग अंतराल में हमेशा ठीक है क्लियर हो गई बात अब देखो यहां पर आपका समावेशित वर्ग अंतराल को विशिष्ट वर्ग अंतराल में बदलने का तरीका होता है डायरेक्टली ठीक है कब जब आपकी वर्ग माप जो है वो समान हो वर्ग माप क्या होती है मैं समझा देता हूं वर्ग माप होती है आपका आ, दो वर्ग अंतरालों वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का अंतर ठीक है वर्ग माप में समझा देता हूं क्या होती है सारी चीजें क्लियर करके चलेंगे टेंशन ना लो वर्ग माप होती है आपका किसी भी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा डायरेक्टली सीधी सी बात है ये होती है आपकी वर्गमाप ठीक है ऊपरी सीमा निचली सीमा निचली ये होती है आपकी वर्गमाप ठीक है अब ये जो वर्गमाप है ये जो वर्गमाप है ये आपका बारंबारता सारणी में ज्यादातर सभी केसेस में आपको बराबर मिलेगी ठीक है तो आपका अगर वर्गमाप समान है ठीक है तो आप समावेशित आंकड़ों को विशिष्ट आंकड़ों में कैसे बदल सकते हो देखो आप क्या करोगे कोई भी दो क्रमागत वर्ग लोगे कोई भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता लगातार बस दो लगातार होने चाहिए मैंने इकतालीस से पैंतालीस और छियालीस से पचास ले लिया ठीक है इकतालीस से पैतालीस और छियालीस से पचास दो क्रमागत वर्ग अंतरालों में क्या करोगे आप पहले वाले अंतराल की मतलब दूसरे वाले अंतराल की निचली सीमा में से पहले वाले अंतराल की ऊपरी सीमा को घटा दो ठीक है और जो भी आएगा उससे दो को भाग कर दो ठीक है जो भी आएगा उससे दो को भाग कर दो आपके पास कितना आ गया छियालीस माइनस एक हो गया 45 सॉरी छियालीस माइनस पैतालीस हो गया एक ठीक है बटे में दो जिसका मान आ गया जीरो तो में में दशमलव नहीं है उसमें से दो क्रमागत वर्ग अंतराल लिए ठीक है।, है नीचे वाले वर्ग अंतराल की निचली सीमा में से ऊपर वाले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को घटाया जो भी मान आया उसे दो से भाग कर दिया तो उसे भाग करने के बाद मेरे पास आया जीरो दशमलव पांच अब ये जो मान तुम्हारे पास निकल कर आया है इसे सिंपली कुछ मत करो क्या करो सारे के सारे वर्ग अंतरालों के निचली सीमा में से तो इसे घटा दो ठीक है माइनस क्या करो सारे के सारे वर्ग अंतरालों में से निचली सीमा में से तो इसे घटा दो और ऊपरी सीमा में इसे जोड़ दो ठीक है देखो भाई इकतीस दशम इकतीस माइनस जीरो दशमलव पांच तीस दशमलव पांच पैंतीस प्लस जीरो दशमलव पांच कितना हो गया तुम्हारा आपका हो गया पैंतीस दशमलव पांच छत्तीस माइनस जीरो दशमलव पांच प्लस चालीस प्लस जीरो दशमलव पांच चालीस प्लस जीरो दशमलव पांच कितना हो गया तुम्हारा छत्तीस माइनस जीरो दशमलव पांच पैंतीस दशमलव इस तरीके के बन जाएंगे यानी कि ये आंकड़े बन गए तुमने क्या करा इकतीस में से जीरो दशमलव पांच को घटाया कितना आ गया तीस दशमलव पांच ठीक है तुम पैंतीस में जीरो दशमलव पांच को जोड़ दिया कितना हो गया दशमलव पांच ठीक है तुमने छत्तीस में से जीरो दशमलव पैतीस दशमलव यहां पर अगर तुम दो क्रमागत वर्ग अंतराल लोगे तो उनकी ऊपरी सीमा पहले वाले की ऊपरी सीमा और दूसरे वाले की निचली सीमा बराबर हो जाएगी सारे के, सारे के सारे केसेस में तो इसे हम बोलते हैं क्या समावेशित वर्ग अंतरालों को विशिष्ट वर्ग अंतराल में बदलना कैसे बदलेंगे समावेश में से दो क्रमागत अंतराल लो ठीक है एक की नीचे वाले वर्ग की निचली सीमा को लेकर घटा उसमें से क्या घटा दो ऊपर वाले अंतराल की ऊपरी सीमा जो कि हमने यहां पर किया ठीक है किसी भी दो क्रमागत अंतरालों में से ठीक है उसके बाद जो भी मान आएगा उसे दो से भाग कर दो जो फाइनल मान निकल कर आया उससे क्या करोगे तुम उससे आपका सारी निचली सीमाओं में से घटा दोगे और सारी ऊपरी सीमाओं में जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास जो तुम्हारा समावेश वर्ग अंतराल था वो किसमें बदल जाएगा वो तुम्हारा विशिष्ट वर्ग अंतराल में बदल जाएगा ठीक है और ये तुम्हारे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जो है वो यहां पर खत्म हो जाता है यहां पर एक चीज और निकल कर आती है वो है वर्ग चिन्ह ठीक है तो वर्ग चिन्ह क्या होता है मैं समझा देता हूं वैसे तो मैं तुम्हें सारी चीजें बता ही चुका हूं ठीक है वर्ग चिन्ह भी मैं समझा देता हूं दो आंकड़ों का कैसे निकलता है तो दो आंकड़ों का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तुम क्या करते हो आपके किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह निकलता है और वर्ग चिन्ह निकलता है किसी भी वर्ग अंतराल का निचली सीमा प्लस निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा सीमा बटे में दो तो अगर मान लो तुम्हें यहां पर इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है साठ दशमलव पांच से पैंसठ दशमलव पांच का तो ये क्या हो जाएगा साठ दशमलव पैसठ दशमलव पांच बटे में दो कितना हो गया भाई पांच पांच दस का जीरो हासिल हुआ एक पांच और एक 6, ठीक है और आपका ये कितना हो गया ये हो जाएगा छ छह एक सौ छब्बीस बटे दो यानी कि या आ गया दो छक्के बारह दो तीया छे तो तरेसठ आ गया अपने पास तो ये हो गया इसका क्या इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हो जाएगा तरेसठ ठीक है तो वर्ग चिन्ह के भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं और वर्ग चिन्ह की हमें आगे अभी जरूरत भी पड़ेगी इसलिए मैंने वर्ग चिन्ह पहले ही करा दिया क्लियर हो गई बात समझ में आ गया सबको किसी को यहां पर कोई डाउट है तो आंकड़ों को प्रस्तुत करने के जितने भी तरीके थे मैंने तुम्हें बता दिए पहला आरोही अवरोही क्रम दूसरा आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए तुम्हारा ए वर्गीकृत बारंबारता सारणी तीसरा वर्गीकृत बारंबारता सारणी वर्गीकृत बारंबारता सारणी में दो प्रकार के हमारे पास आ, क्या बनते हैं वर्ग अंतराल बनते हैं पहला आपका बन गया समावेशित वर्ग अंतराल जहां पर आपका दो क्रमागत वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा और निचली सीमा बराबर नहीं होती ठीक है दूसरा विशिष्ट वर्ग अंतराल जहां पर आपके दो क्रमागत वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा और निचली सीमा बराबर होती है ठीक है समावेशित अंतराल को विशिष्ट वर्ग अंतराल में कैसे बदलते हैं यह समझा दिया है ठीक है वर्ग माप क्या होती है यह बता दिया है वर्ग चिन्ह क्या होता है ये बता दिया है ठीक है तो अब यहां पर मुझे ये बताओ ये सबको समझ में आ गया क्लियर है सबको

आपके पास क्या आ जाता है आंकड़ों का प्रसार आ जाता है तो ये आ गई आपका सत्तर ठीक है तो ये ध्यान रखना कई बार आ जाता है पेपर में ठीक है चलो अब देखो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हमारा क्लियर हो गया तो अब एक एक करके बेसिक से कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे सीधा किस पर हमारे आंकड़ों के किस पर आंकड़ों के सबसे पहली चीज देखो आंकड़ों के आलेखीय निरूपण पर आलेखीय निरूपण क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले देखो निम्न आंकड़ों में चार की बारंबारता क्या है तो बारंबारता क्या होती है जितनी बार वो आंकड़ा आ रहा होता है उसे उसकी बारंबारता बोला जाता है तो चार यहां पर कितनी बार आ रहा है देखो भाई चार आ रहा है एक दो तीन चार पांच छह तो चार यहां पर हमारा कुल छह बार आ रहा है यानी कि चार की बारंबारता कितनी होगी छह तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कह रहा है कि निम्न में से गौण आंकड़ों का उदाहरण क्या है देखो मैं बता देता हूं ठीक है गौण आंकड़े क्या होते हैं तुम्हारे मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था कि आंकड़ों का प्रकार होता है हमारे पास ठीक है आंकड़ों के प्रकार होते हैं तो उनमें से ही एक प्रकार है हमारा गौण आंकड़े ठीक है ठीक एक होता है तुम्हारा प्राइमरी डाटा एक होता है तुम्हारा सेकेंडरी डाटा ठीक है तो तुम्हारे पास जो प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े होते हैं ठीक है प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो कि तुम खुद से कलेक्ट करते हो जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कि मैं तुम्हारी क्लास में गया ठीक है और तुम्हारी क्लास में से जाकर मैंने तुम्हारे बच्चों के एक से लेकर दस तक के नंबर कलेक्ट किए तो वो डेटा मैंने खुद ने कलेक्ट किया जाके ठीक है वो डेटा मैंने खुद कलेक्ट किया जाके तो मैं क्या हो गया वहां पर तुम्हारा जो वो डेटा मैंने कलेक्ट किया वो हो गया प्राथमिक आंकड़े ठीक है आपके द्वितीय आंकड़े या फिर गौण आंकड़े जो होते हैं वो होते हैं जब तुम डेटा किसी और सोर्स से लेते हो जैसे कि मान लो तुम्हारे क्लास टीचर ने तुम्हारा डेटा पहले ही कलेक्ट कर लिया था ठीक है और अब मैं तुम्हारी क्लास में नहीं आया मैंने कहा इतनी माथा बच्ची कौन करेगा मैं सीधा चला गया तुम्हारे क्लास टीचर के पास मैंने बोला यार इनके मैथ्स के नंबर निकाल के दे दो तो वो क्या हुआ मैंने तुम्हारे आंकड़े तो ले लिए लेकिन वो आंकड़े मैंने खुद इकट्ठे नहीं करे वो आंकड़े मैंने खुद संग्रहित नहीं करे वो किसने करे है? तुम्हारे क्लास क्लास टीचर टीचर ने मेरे लिए सोर्स क्या है तुम्हारा क्लास टीचर है तुम्हारा तो जब तुम तुम आंकड़ों को जैसे कि टीवी पे क्रिकेट मैच देखते हो तो वहां पर तुम डायरेक्टली डेटा को देखते हो ठीक है वो डेटा तुमने कलेक्ट नहीं किया वो डेटा भाई पहले से कलेक्टेड था टीवी वालों ने कलेक्ट किया वो तुम्हें दिखा रहे हैं ठीक है तो तुम्हें डेटा तो मिल रहा है लेकिन क्या वो तुमने कलेक्ट किया है नहीं तो वो क्या हो गया वो एक तरीके का गौण आंकड़े हो गए यानी कि द्वितीय प्रकार के आंकड़े हो गए जैसे कि तुम्हें दे रहा था अपने कक्षा के सहपाठियों की संख्या ये तो तुम खुद गिन सकते हो ठीक है अपने परिवार के सदस्यों का प्रिय भोजन ये भी तुम खुद पता कर सकते हो एक एक बार जाकर ठीक है तो ये दोनों तो प्राथमिक आंकड़े हैं टीवी से प्राप्त चुनाव का परिणाम अब भैया चुनाव का परिणाम तुम खुद थोड़ी चेक करते हो चुनाव का परिणाम तो मंत्री जी को नहीं पता होता ठीक है वो तो भाई क्या कहते हैं चुनाव वाले जो चुनाव कराते हैं उन्हें पता होता है ठीक है इलेक्शन कमेटी को वो जो जब गिन रहे होते हैं उन्हें पता होता है और उसके बाद वो डेटा कहां पर जाता है टीवी के पास जाता है तो टीवी वालों के लिए भी वो से, क्या है गौण आंकड़े हैं क्यों टीवी वालों को भी डेटा उन्होंने खुद कलेक्ट नहीं किया उन्हें मिला है बाहर से ठीक है उसके बाद वो डेटा उनके पास आया उसके बाद उन्होंने वो टीवी पर चलाया तब तुम उसे देख रहे हो तो तुम्हारे लिए सोर्स क्या है तुम्हारे लिए सोर्स है टीवी तो टीवी पर चुनाव का परिणाम जो है ये तुम्हारे गौण आंकड़ों का प्रकार है ठीक है तो गौण आंकड़े और प्राथमिक आंकड़े भी आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गए होंगे इतने आते नहीं है तो इसीलिए वो स्टार्टिंग में हमने मिस कर दिए थे ठीक है चलो अब देखो यहां पर अब हमारे पास आता है आंकड़ों को दर्शाने के लिए क्या आंकड़ों के हमारे पास अब जो सबसे पहली चीज आती है वो है भैया क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना और यह है आपका आंकड़ों का आलेखीय निरूपण ठीक है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण क्या होता है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण होता है जब आप आंकड़ों को क्या करते हो ग्राफिकल तरीके से दिखाते हो यानी कि पिक्चर की तरीके से दिखाते हो अब जैसे कि तुम्हें मान लो तुम्हें दिखाया जाता है कि क्रिकेट मैच में अगर तुम्हें यह बोला जाए कि दस से पंद्रहवे ओवर के बीच में इंडिया के सत्तर रन थे ठीक है और 10 से 15 ओवर के बीच में आपका ऑस्ट्रेलिया के पिचासी रन है ठीक है उसके बाद 10 से 20 ओवर मतलब 15 से 25 ओवर, ओवर के बीच में इंडिया के 135 रन थे ऑस्ट्रेलिया के 120 रन हैं ठीक है उसके बाद तो मैं बोला जा रहा है कि भैया 25 से 30 ओवर के बीच में इंडिया के कितने आपके 40 रन थे मतलब सॉरी ये लगा लो 180 रन थे और ऑस्ट्रेलिया के भी 180 रन थे तो अब यहां पर क्या है? ये चीज मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम्हें इतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी लेकिन अभी अगर इसी चीज को मैं ग्राफ पर इस तरीके से दिखा दूं कि अः ये लो भाई ये हो गया तुम्हारा अः 10 से 15 ओवर ये हो गया तुम्हारा 15 से 25 ओवर और ये हो गया तुम्हारा पच्चीस से पैतीस ओवर ठीक है इधर मैंने तुम्हारे रन दिखा दिए पचास सौ डेढ़ सौ दो सौ ठीक है मैंने बोला भैया ये लो ये तुम्हारा ग्राफ व्हाइट वाला जो ग्राफ है ये है इंडिया का ठीक है और ये तुमने देखा भी होगा और ये जो येलो वाला ग्राफ है ये है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का ये तुमने देखा भी होगा ये तुम्हें देखने को मिलते हैं ठीक है मैच में तुम्हें पता लग गया कि भैया पहले दस ओवरों में पहले से ओवरों में इंडिया के अस्सी रन थे ऑस्ट्रेलिया के नब्बे रन थे तो तुम्हें साफ साफ क्लियर हो गया कि भैया इंडिया के रन थोड़े कम थे और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा थे ठीक है उसके बाद भैया तुम्हारा दूसरे पंद्रह से पच्चीस ओवर में तुम्हारे इंडिया ने मारे कितने इंडिया ने मार लिया आपके टोटल हो गए रन कितने डेढ़ रन हो गए ठीक है ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं तुम्हें ठीक है वही ऑस्ट्रेलिया ने कितने मारे ऑस्ट्रेलिया ने मारे 120 ये लो तो ये क्या हो गया ये हो गया तुम्हारा ग्राफ ठीक है अब जो चीज मैं तुम्हें बोल के बता रहा था वो चीज तुम्हें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी और वो चीज इतने अच्छे से तुम्हें याद नहीं रहेगी जितने अच्छे से तुम्हें ग्राफ समझ में आ जाएगा तुरंत तुम देखते ही पहचान जाओगे अरे यार ये तो साफ पता लग रहा है कि इंडिया इंडिया ने ने ज्यादा रन रन मार लिए थे कम मारे थे पहले ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने मारे थे और बाद के ओवर्स में इंडिया ने ज्यादा रन मारे ऑस्ट्रेलिया ने कम रन मारे ठीक है ये चीज तुम इस ग्राफ से देखकर डायरेक्टली समझ सकते हो जबकि मैं जब बोल रहा था वो तुम्हें डेटा इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रहा था ठीक है तो भैया डेटा को किसी भी तरीके से अगर मैं बात करूं तो डेटा को जब हम आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे समझना और उससे एनालिसिस करना या उसका विश्लेषण करना और उससे निष्कर्ष निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है जबकि जब हम उस चीज को आलेखीय तरीके से करते हैं ग्राफ के रूप में करते हैं या आपका वेन डायग्राम के रूप में करते हैं ठीक है या आपका साइक्लिक ग्राफ के रूप में करते हैं तो वो ज्यादा आसान हो जाता है क्यों हो जाता है भाई ज्यादा आसान क्यों क्योंकि पिक्चर्स को समझना हमारे लिए हमेशा से आसान रहा है ठीक है ये चीज तुम बहुत अच्छे से जानते हो ठीक है और इसी प्रकार के हमारे पास तीन तरीके के आलेख हैं आंकड़ों को दर्शाने के तरीके हैं ठीक है ठीके? सबसे पहला है दंड आलेख जो कि हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों को दर्शाने का तरीका है क्या है भाई दंड आलेख ये है हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों को दर्शाने का तरीका ठीक है दंड आलेख अब दंड आलेख में क्या होता है दंडालेख में हम क्या करते हैं हमारा आंकड़े दिए होते हैं और उनकी बारंबारता दी होती है ठीक है इसमें आपका क्या होता है इसमें कुछ और नहीं होता बस आंकड़े होते हैं उनकी बारंबारता होती है जैसे कि यहां पर आंकड़े दिए और उनकी बारंबारता दी हुई है अब आपको क्या करना है इसे प्रदर्शित करना है इसे आलेख के रूप में दर्शाना है तो दंड आलेख क्या होता है दंड आलेख तुम्हें सीधा समझ में आ गया दंड के रूप में बनता है आयत के रूप में बनता है ठीक है, मैं बताता हूं कैसे? दंड में होता है। तुम्हारा थोड़ा जल्दी बनाऊंगा मैं इसे ठीक है आपकी दो अक्ष होंगी आपके पास ठीक है दो अक्ष होंगे आपके पास आप एक अक्ष पे लिखोगे अपना एक डेटा और दूसरे अक्ष पे लिखोगे अपना दूसरा डेटा जैसे कि यहां पर आपका खर्चे बताए जा रहे हैं कि भैया बीस हजार रुपए की मासिक आय है और उसमें आपके अलग अलग खर्चे किए जाते हैं जो कि इस तरीके से है। ठीक है हजार रुपए के हिसाब से यहां पर दे रखा है ठीक अब देखो आपने क्या करा यहां पर तो लिख लिया आपके मत आपके खर्चे कौन कौन से है सबसे पहला खर्चा है ग्रोसरी ठीक है दूसरा खर्चा है आपका किराया ठीक है तीसरा खर्चा है इक्वल डिस्टेंस पर आप बनाओगे याद रखना इक्वल डिस्टेंस पर बनाओगे आप और बराबर मोटाई के बराबर मोटाई के और इक्वल डिस्टेंस पर बनाओगे ठीक है तीसरा है बच्चों की शिक्षा शिक्षा डाल दी मैंने यहां पर ठीक है चौथा है तुम्हारा दवाई तो दवा पांचवा है ईंधन है, पेट्रोल हो गया गैस सिलेंडर हो गया वो सारी चीजें इसमें आ गई ठीक है मनोरंजन ठीक है मैं इतने का ही बना रहा ठीक है आगे विधि जो बची उसका तुम खुद बना लेना मैं इतने का बना रहा ठीक है इधर तुमने दिखा दिया कि भैया यहां पर तुम्हारा जीरो रेंट है यहां पर एक ठीक है फिर ये दो ठीक है मतलब ये एक हजार ये दो हजार फिर ऐसे तीन हजार रुपए चार हजार पांच हजार छह हजार रुपए इस तरीके से तुमने पूरा दिखा दिया ठीक है अब तुम देख लो तुम्हारा सबसे पहला जो आना है वो कितना है वो है चार हजार रुपए का ठीक है सबसे पहला है तुम्हारा पर्च ग्रोसरी में कितने रुपए लग रहे हैं चार हजार रुपए तो ये आ गए तुम्हारे ग्रॉसरी के पैसे कितने भैया ये आ गए ग्रोसरी के चार हजार रुपए चार हजार तक ले जाकर आपने अपना ये जो है पूरा छोड़ दिया ये हो गया आपके चार हजार रुपए इ... नहीं पड़ता इसकी मोटाई से ठीक है इसकी मोटाई से कोई फर्क नहीं पड़ता बट हम कोशिश ये करते हैं कि बराबर रहे ये मोटाई ठीक है ठीक है किराए के कितने रुपए जा रहे हैं भाई किराए के जा रहे हैं पांच यानी कि पांच हजार रुपए तो किराए के ये हो गए पांच हजार रुपए ठीक है किराए के हो गए पांच हजार रुपए उसके बाद और देखो और क्या है आपका और है आपका बच्चों की शिक्षा के भी जा रहे हैं पांच हजार रुपए तो बच्चों की शिक्षा के भी ये हो गए पांच हजार रुपए ये लो ठीक है ये हो गए शिक्षा के पांच हजार रुपए इसके बाद और क्या है दवाई के जा रहे हैं दो हजार ईंधन के दो हजार और मनोरंजन के एक हजार ठीक है दवा के दो हजार ये बन गया एक दंड ठीक है दवा के दो हजार का ठीक उसके बाद ईंधन के दो हजार ईंधन के दो हजार का एक और दंड बन गया ये ठीक है और फिर मनोरंजन के एक हजार मनोरंजन के एक हजार ये लो भाई। तो ये क्या बन गया बच्चों ये बन गया तुम्हारा पूरा का पूरा इस गिवन डेटा का दंडालेख ठीक है अब इस दंडालेख को देखकर तुम डायरेक्टली बता सकते हो तुम्हें ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है तुम्हें साफ़ साफ साफ दिख रहा है कि यार ठीक है मतलब जो इस घर में खर्चा हो रहा है उसमें आ, किराए में और शिक्षा में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है ठीक है किराए में और शिक्षा में सबसे ज्यादा पैसे आ रहे हैं मनोरंजन में वो ऑलरेडी सबसे ज्यादा कम खर्च कर रहे हैं ठीक है यानी कि ये घर वाले जो हैं ये बहुत देख दाख कर अपना खर्चा कर रहे हैं ठीक है ग्रोसरी में चार हजार लगते ही होंगे इनके इसीलिए चार हजार रुपए लग रहे हैं ठीक है तो ये क्या है ये है तुम्हारा दंडालेख तो दंडा लेख आपका एवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बनाया जाता है जहां पर आपको आंकड़े और केवल उनकी बारंबारता दी जाती है और कुछ नहीं होता ठीक है अगर आपके पास केवल आंकड़े हैं और उनकी बारंबारता है तो आप उन आंकड़ों के लिए क्या बनाओगे दंडालेख बनाओगे ठीक है तो ये इन आंकड़ों का दंडालेख हो गया दंडालेख सबको समझ में आ गया एक तरफ आप लिखोगे आंकड़े दूसरी तरफ उनकी बारंबारताएं और उसके बाद उन्हें क्या करोगे स्क्वायर के रूप में मतलब आयतों के रूप में दर्शा दोगे ये हो गया आपका दंडालेख अब दंडालेख के बाद आता है आपका आयत चित्र ठीक है आयत चित्र होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए और आयत चित्र आपका दो प्रकार से आता है ठीक है मतलब दो क्या तीन प्रकार से आता है पहला प्रकार क्या है कि आपके पास डायरेक्टली आपको विशिष्ट वर्ग अंतराल की बारंबारता सारणी देगा ठीक है विशिष्ट वर्ग अंतराल की बारंबारता सारणी जैसे कि यहां पर दी हुई है क्या है आपका दो क्रमागत वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा और निचली सीमा बिल्कुल बराबर है तो यह विशिष्ट बारंबारता यह कैसी है विशिष्ट वर्ग अंतराल वाली बारंबारता सारणी है ठीक है दूसरा केस क्या हो सकता है आपका समावेश आंकड़े आपको दिए जाएंगे ठीक है तो आप क्या करोगे सबसे पहले आंकड़ों को विशिष्ट आंकड़ों में बदलोगे आपको तरीका पता है दो क्रमागत वर्ग अंतराल लोगे नीचे वाले वर्ग अंतराल की निचली सीमा से ऊपर वाले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को घटाओगे जो भी मान आएगा उसे दो से भाग करोगे अब जो फाइनल मान निकल कर आया उसे सारी की सारी निचली सीमाओं में से घटाओगे और ऊपरी सीमा में जोड़ोगे तो आपका समावेशित वर्ग अंतराल विशिष्ट वर्ग अंतराल में बदल जाएगा ठीक है अब ये जब आपका विशिष्ट वर्ग अंतराल आ गया जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है तो पहले दो केस समझ में आ गए तीसरा केस क्या होगा कि जैसे कि यहां पर तुम्हारी वर्ग माप जो है वो बिल्कुल बराबर है यहां पर वर्ग माप तुम्हारी पांच है पैंतीस दशमलव पांच में तीस दशमलव पांच को घटाया पांच बचा चालीस दशमलव पांच में से पैंतीस दशमलव पांच को घटाया पांच बचा पचपन दशमलव पांच में से पचास दशमलव पांच को घटाया पांच बचा मतलब तुम पूरे ही वर्ग अंतराल पूरी ही, ही बारंबारता सारणी में तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो वर्ग माप है वो पांच है ठीक है यानी कि वर्ग माप बराबर है तो पहला केस तो ये बन सकता है दूसरा केस बनता है जब आपकी वर्ग माप बराबर ना हो तो मैं दोनों केसेस को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा दोनों केसेस को एक एक करके समझाऊंगा ठीक है तो सबसे पहले इसका डेटा कैसे बनता है कोई टफ नहीं है बहुत ईजी है ठीक है देखो मैं दिखाता हूं आ, आपका सबसे पहले आएगा इधर ही बना देता हूं मैं पूरा ग्राफ साइड में तो मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा ताकि तुम लोगों को मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर सकूं डेटा के साथ तो इधर तुम्हारे आ गए आंकड़े या जो भी तुम्हारे आंकड़े हैं क्या भार भार यानी कि और इधर आ जाएगी तुम्हारी विद्यार्थियों की संख्या यानी कि तुम्हारी बारंबारता ठीक है तो आंकड़े सबसे पहले हैं तीस दशमलव पांच से पैंतीस दशमलव पांच फिर पैंतीस दशमलव पांच से चालीस दशमलव पांच तो हम इसे ही लिखना शुरू करते हैं यहां पर तो तीस दशमलव पांच से पैंतीस दशमलव पांच फिर चालीस दशमलव पांच बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए भाई ये मेरे नहीं होंगे क्योंकि भाई मेरे पास स्केल पेन वगैरह नहीं है बट तुम्हारे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए ठीक है ग्राफ पेपर पे बहुत आसानी से बन जाते हैं पैंतालीस दशमलव पांच ठीक है पचास दशमलव पांच पचपन दशमलव पांच और आपका साठ दशमलव पांच बिल्कुल इक्वल मोटाई के होने चाहिए तभी काम चलेगा अब देखो जब आपका डेटा इधर है जीरो जब आपका डेटा जीरो से शुरू होता है जब मान लो आपका वर्ग अंतराल शुरू हुआ जीरो से दस ठीक है दस से बीस बीस से तीस ठीक है इस तरीके से जब आपका डेटा शुरू होता है तो तो आप इसी तरीके का ग्राफ डायरेक्ट बना सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं है यहां पर कुछ भी करने की लेकिन जब आपका वर्ग अंतराल जो है वो जीरो से शुरू ना हो जब आपका डेटा जो है वो जीरो से शुरू ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर एक ये अलग सा निशान बनाना पड़ेगा कैसा एक करंट के जैसा ये वाला ये वाला ये निशान क्या दर्शा रहा है ये निशान दर्शा रहा है आपका कि भैया आपके जो आंकड़े हैं वो डायरेक्ट जीरो वाले वर्ग अंतराल से शुरू नहीं हो रहे हैं थोड़े आगे से शुरू हो रहे हैं ठीक है जो कि आपको दिख भी रहा है ठीक है अब इसके बाद क्या करोगे इसके बाद आपकी गई इधर बारंबारता इतनी भाई बारम्बार विद्यार्थियों की संख्या है विद्यार्थियों की संख्या को आप ले लो कितना ही, जितना भी आपका मान है आपको दो दो करके लेनी है दो दो करके ले लो पांच पांच करके लेनी है पांच पांच करके ले लो एक एक करके लेनी है ले तो एक एक करके ले लो मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है ठीक है तो हम ले लेते हैं इन्हें सोलह तक आ जाएगी यहां पर नहीं आएगी तो दो दो करके ले लेते हैं ज्यादा सही रहेगा दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह ठीक है अब देखो सबसे पहला वर्ग अपना तीस से पांच तीस दशमलव पांच से पैंतीस दशमलव पांच नौ तो ये बन गया तुम्हारा सबसे पहला आयत यहां पर आएगा तीस दशमलव पांच से पैंतीस दशमलव पांच और इसकी बारंबारता कितनी है बारंबारता है नौ तो आठ और दस के ठीक बीच में आएगा यह बन गया तुम्हारा पहला अंतराल दूसरा वर्ग अंतराल पैतीस दशमलव पांच से चालीस दशमलव पांच है छह तो भैया पैंतीस दशमलव चौड़ाई थोड़ी मेरी अलग हो सकती है तुम लोगों को इनकी चौड़ाइयां बिल्कुल बराबर रखनी है इनकी चौड़ाइयों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि चौड़ाइयों में डिफरेंस क्या दिखाता है कि तुम्हारी वर्ग माप अलग अलग है लेकिन तुम्हारी वर्ग माप यहां पर सेम है यहां पर वर्ग माप सेम है ठीक है तो तुम ये वाला काम नहीं कर सकते हो ध्यान रखना तुम्हें चौड़ाइयां बिल्कुल बराबर रखनी पड़ेगी इन दोनों की ठीक आगे देखो चालीस दशमलव पांच से 45.5 दशमलव पांच की 15 पैंतालीस दशमलव चौदह और सोलह के ठीक बीच में ठीक है इसके बाद 45.5 दशमलव पांच से पचास दशमलव पांच की 2 तो दो और चार के ठीक बीच में ठीक है उसके बाद पचास दशमलव पांच से पचपन दशमलव पांच की तो भैया जीरो, जीरो और दो के ठीक बीच में ये लो ठीक है और उसके बाद पचपन दशमलव पांच से साठ दशमलव पांच की बारंबारता है आपकी। कितनी दो ये लो भाई ये हो गई दो तो बच्चों ये क्या हो गया ये बन गया तुम्हारा आयत चित्र ठीक है इस वर्गीकृत बारंबारता सारणी का आपको आयत चित्र बनाना था और वो पूरा का पूरा ये रहा ठीक है अब ये जो आयत चित्र है ये जो आयत चित्र है ये आयत चित्र आप कैसे बनाएंगे देखो भैया ये सबको क्लियर हो गया आयत चित्र कैसे बनाना है वर्ग अंतराल दिया होगा एक आंकड़ों पे वर्ग अंतराल एक पे क्या बार था ठीक है और उसके बाद क्या करो वर्ग अंतराल के हिसाब से अपना पूरा का पूरा सारणी बनाते चले हो लेकिन अब दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि जैसे कि यहां पर तो आपकी वर्ग माप बराबर थी आपके पास डेटा आ सकता है जिसमें वर्ग माप बराबर ना हो ये वाला जैसे कि यहां पर तुम्हें डेटा दिया हुआ है मैं ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा मेन मुद्दे पे बात करते हैं ये रहा डेटा इसकी वर्ग माप कितनी है वर्ग माप कैसे निकालते हैं ऊपरी सीमा सीमा माइनस निचली वर्ग माप है दस चालीस माइनस तीस वर्ग माप है दस ठीक है पचास माइनस चालीस वर्ग माप है दस साठ माइनस पचास वर्ग माप है दस सत्तर माइनस साठ वर्ग माप है दस और सत्तर और उससे अधिक ठीक है सत्तर और उससे अधिक वाले आठ है ठीक है यहां पर क्या है यहां पर वर्गमाप हो गई अलग अलग इसकी और इनकी वर्गमाप हो गई अलग अलग अब दिक्कत क्या है भाई वर्गमाप अलग हो गई तो इस तरीके से आप जब अपना वर्ग अंतराल बनाओगे आप जब आ, आलेख बनाओगे तो उसमें क्या होगा उसमें आपका जो चित्र होगा वो कैसा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अलग कैसा हो जाएगा भाई अलग हो जाएगा अलग कैसे हो जाएगा उसकी जो चौड़ाइयां हैं क्योंकि वर्ग अंतराल किसे दर्शाता है चौड़ाइयों को चौड़ाइयां हो जाएंगी अलग तो देखो अब अगर आपकी चौड़ाई अलग होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा इस वर्ग अंतराल के लिए अगर आपकी चौड़ाइयां अलग हो जा रही हैं ठीक है तो आपको अगर चौड़ाई अलग करनी है तो उस हिसाब से अपने आयत की जो लंबाई है उसे एडजस्ट करना पड़ेगा या तो आप इनकी वर्ग माप को बराबर करो और अगर वर्ग माप बराबर नहीं है तो आपको अपनी ऊंचाइयों को जो आयत आप बनाओगे आयत चित्र में उनकी ऊंचाइयों को एडजस्ट करना पड़ेगा और उनकी ऊंचाई कैसे निकलेगी भैया देखो ये आपकी निकलती है ऐसे आयत की ऊंचाई ठीक है ये निकलेगी यहीं से ही कैसे निकलेगी मैं बता देता हूं आयत की ऊंचाई जब आपकी वर्गमाप जो है वो सबसे कम हो मतलब जो आप आयत की ऊंचाई जब आपकी वर्गमाप क्या हो जब आपकी वर्गमाप अलग अलग दी हो ठीक है तो कैसे निकलेगी कैसे निकलेगी मैं बता रहा हूं देखो भाई अगर आपकी वर्गमाप अलग अलग दी हुई है तो आयत की ऊंचाई आयत की लंबाई निकालना या फिर ऊंचाई निकालना इसका सिंपल सा तरीका क्या है इसका सिंपल सा तरीका यह है कि देखो भाई इसका सिंपल सा तरीका यह है कि आपकी बारंबारता बटे वर्गमाप उस वर्ग अंतराल की वर्गमाप गुणा सबसे छोटी वर्गमाप छोटी वर्गमाप ठीक है सबसे छोटी वर्गमाप यह सिंपल सा तरीका है ठीक है क्या बारंबारता बटे उस वर्ग अंतराल की वर्गमाप बटे में गुणा सबसे छोटी वर्गमाप जैसे कि अब यहां पर तुम्हें आयत की ऊंचाई निकालनी है ठीक है तो कैसे निकालेंगे भाई मैं इस टेबल को मैं साइड में छोटा करता हूं पहले रुक जाओ यहां पर निकाल देता हूं मैं इसे यहां पर साइड में कर रहा हूं ठीक है ना समझ जाओ ठीक है तो देखो आयत की ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी वर्गमाप है दस इसकी वर्ग माँ पे बीस इसकी वर्ग माँ पे दस इसकी वर्ग माँ पे दस इसकी वर्ग मापे दस इसकी वर्ग वहास और ये लास्ट में सत्तर से सौ दे रखा है तो ये सत्तर और उससे अधिक मतलब वाला कितना हो जाएगा सत्तर और उससे अधिक वाला मतलब हो गया तुम्हारा 70 से सौ तो इसकी वर्ग मे तीस अब इनके लिए आयत की चौड़ाई अगर तुम्हें निकालनी है तो कैसे निकलेगी या आयत की लंबाई अगर तुम्हें निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी तो सिंपल तरीका है देखो आयत की लंबाई या फिर हम बोले तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी सबसे पहले बारंबारता बटे में उस वर्ग अंतराल की वर्गमाप तो इसकी वर्गमाप कितनी है बीस माइनस जीरो यानी कि बीस गुणा सबसे छोटी वर्गमाप तो पूरे आंकड़ों में सबसे छोटी वर्गमाप कितनी है पूरे आंकड़ों में सबसे छोटी वर्गमाप है आपकी दस देखोगे यहां पर वर्गमाप है बीस इन सबकी वर्गमाप है दस और इस, इसकी वर्गमाप है तीस तो सबसे छोटी वर्गमाप है दस तो बारंबारता बटे में वर, उस वर्ग अंतराल की वर्ग माप गुणा सबसे छोटी वर्गमाप तो ये कितना आ जाएगा ये आ गई आपकी सात बटे दो यानी कि तीन दशमलव पांच ठीक है यहां पर क्या होगा बारंबारता है दस बटे में वर्गमाप है दस गुणा इसकी वर्ग माप है दस और सबसे छोटी वर्ग माप भी है दस तो यह आ गया आपका दस ठीक है सेम वही इनका भी क्या होगा बारंबारता है दस वर्ग माप है दस ठीक है और सबसे छोटी वर्ग माप भी है दस तो ये आ गया दस ठीक है ऐसे इसका निकालोगे क्या बारंबारता है बीस वर्ग माप है दस, सबसे छोटी वर्ग माप है है आपस में कट जाएगा बारता आ गई बीस. ठीक फिर इसकी तो इसकी भी पंद्रह और इसकी बारंबारता कितनी है आठ सबसे इस वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है तीस और सबसे छोटी वर्ग बारंबारता कितनी है दस ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ये हो गया आपका आठ बटे तीन या फिर कितना हो जाएगा तीन दूनी छह दशमलव दो तीन ठीक है क्योंकि तीन दो दशमलव दो दो आता रहेगा वो आठ बटे तीन दो दशमलव दो दो आता रहेगा जिसका मतलब हो गया हमारा दो दशमलव तीन दूनी छह दो बचे दशमलव लगाया जीरो बढ़ाया हाँ तो ये हो जाएगा हमारा तीन छिंग अठारह तीन सिंग अठारह मतलब दो दशमलव छह 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 आता रहेगा जिसे हमें दो दशमलव लिख लिया तो अब तुम्हारी बारंबारता को जो तुम ऊंचाई की तरह दर्शाते थे अब वो ये वाली ऊंचाई नहीं रह जाएगी अब ऊंचाई कौन सी लगेगी अब ऊंचाई ये वाली लगेगी ठीक है तो देखो भाई तुम्हारा अगर मैं बात करूं तो जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा जो ग्राफ यानी कि जो तुम्हारा आलेख बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा मैं यहां पर साइड में बना रहा हूं ठीक है ये हो गया आपका जीरो से बीस जीरो दस बीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे और सौ ठीक है आंकड़े इधर कितने हैं हमारे मैक्सिमम कहां तक गए हैं बीस तक गए हैं है ना बीस तक गए हैं. तो पांच दो चार छः, आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह, बीस ठीक है अब इसका ग्राफ बना लो बस सिंपल मैं डायरेक्टली बना रहा हूं और थोड़ा तेज बनाऊंगा मैं सबसे पहले क्या है जीरो से बीस जीरो से बीस की बारंबारता कितनी कितनी अब सात नहीं लेनी है बारंबारता लेनी है अब इतनी दशमलव पांच ठीक है जीरो से बीस की बारंबारता अब तुम नहीं लोगे जीरो से बीस की बारंबार बारम्बारीरो बीस ये रहा ठीक है जीरो से बीस की बारंबारता कितनी है तीन दशमलव पांच ये लो भाई ये हो गए तीन दशमलव पांच ये हो गया पहला आयत चित्र ठीक है दूसरा बीस से तीस की बारंबारता था दस उसके बाद फिर तीस से चालीस की बारम्बार था दस उसके बाद चालीस से पचास की बारम्बार बीस पचास से साठ की ठीक है तो इन्हें बना लेते हैं दस दस बीस बीस ठीक है भाई दस से बीस की कितनी सॉरी से बारम्बारीस की बारम्बारता दस तीस से चालीस की बारंबारता फिर से दस चालीस से पचास की बारम्बार्ता है हमारी बीस ठीक है पचास से साठ की बारम्बार्ता हमारी फिर से है कितनी बीस ठीक साठ से सत्तर की बारंबारता कितनी है पंद्रह साठ से सत्तर की बारंबारता है हमारी पंद्रह तो चौदह और सोलह के बीच में ठीक है इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए ये गैप मैं थोड़ा हाथ से बना रहा हूं इसलिए बन रहा है ठीक है और लास्ट में तुम्हारा क्या लास्ट में तुम्हारा आ जाता है सिंपल क्या तुम्हारा सत्तर से तीस की बारंबारता दो, दो, दो दशमलव छह सात तो सत्तर से तीस की बारंबारता था दो दशमलव छह सात तो दो दशमलव पांच से थोड़ा सा ऊपर और ये हो गया दो दशमलव छह सात तो ये बन गया तुम्हारा क्या ये बन गया तुम्हारा सिंपल सा क्या तुम्हारा आंकड़ों का क्या सिंपल सा आयत चित्र ठीक है तो आयत चित्र बनाने के जो तीन केस हो सकते थे वो मैंने तीनों बता दिया तुम्हें अब देखो इसके बाद तुम्हारे पास एक और चीज आती है वो है बहुभुज ठीक है बहुभुज कैसे बनाते हैं बहुभुज बनाना बहुत ही आसान है बहुभुज बनाने के लिए जैसे कि हमने ये जो आयत चित्र बनाया है या तो तुम क्या करो इसके मध्य बिंदुओं को लो सिंपल इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर है ये ठीक है ये 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 ये, ये और ये और इन सबके मध्य बिंदुओं को जोड़ दो ठीक है और इसके लिए तुम्हें एक केस और करना पड़ेगा जो तुम्हारा लास्ट वर्ग अंतराल है उसके भी मध्य बिंदु को उठाना पड़ेगा लाइक दिस ठीक है लाइक दिस तो इस तरीके से तुम्हारा बहुभुज बन सकता है या फिर तुम अपने दिए गए आंकड़ों का वर्ग चिन्ह निकाल लो वर्ग चिन्ह निकालना तुम जानते हो कैसे निकालते हैं अगर मैं यहां पर इसका वर्ग चिन्ह निकालू तो कैसे निकलता है वर्ग चिन्ह आपका सिंपल कैसे निकलेगा भाई वर्ग चिन्ह वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप क्या करोगे आप सिंपल उस वर्ग अंतराल में क्या कर दोगे ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे दो तो दस प्लस जीरो बटे दो कितना पांच ठीक है बीस प्लस दस बटे दो यानी कि पंद्रह ठीक है तीस प्लस पच्चीस पैंतीस कितना आ जाएगा तुम्हारा आ गया पैतालीस फिर आ जाएगा पचपन फिर आ जाएगा तुम्हारा पैंसठ फिर आ जाएगा तुम्हारे पास पंचानवे उसके बाद एक कितना आ गया तुम्हारे पास एक ठीक है तो ये तुम्हारा क्या है ये तुम्हारे आ गए वर्ग चिन्ह निकलकर ठीक है वैसे तो पंचानवे तक में तुम्हारा काम हो जाएगा एक सौ पांच तक तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा ठीक तो अब देखो वर्ग चिन्ह जब तुम्हारे पास निकलकर आ गए तो इसका आलेख बनाने के लिए सिंपल एक तरीका है क्या कि अपना यहां पर दर्शाओ बारंबार ठीक है, है? इधर तुम्हारी बारंबारता आ जाएगी इधर तुम्हारा वर्ग चिन्ह आ जाएगा ठीक है जैसे कि तुमने दिखाया जीरो से दस ठीक है फिर बीस

की बारंबारता कितनी है भाई पंद्रह की बारंबारता है मान लो पर तुम्हारा कोई दस है तो पंद्रह और दस तुम्हें दूसरा ठीक है? इसमें तुम्हें एक केस और करना पड़ेगा जो पहला वाला वर्ग है इससे पहले कौन सा होगा इससे पहले होगा जीरो से माइनस दस ठीक है माइनस दस से जीरो तो तुम्हें उसके लिए भी एक वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा जो कि यहां पर आएगा ठीक है और लास्ट जो वर्ग अंतराल है उसके बाद वाला भी तुम्हें एक बिंदु निकालना पड़ेगा जो कि 105 इसके बाद आएगा ठीक है उसके बाद इन दोनों की तुम क्या करोगे इन दोनों के लिए रखोगे जीरो और उन सबको मिलाते हुए एक क्या बना दोगे एक बहुभुज बना दोगे तो ये हो गया तुम्हारा बारंबारता बहुभुज ठीक है तो भाई देखो आज की क्लास में हम आ, केवल आंकड़ों का आलेख्य निरूपण और हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ही कर पाए ठीक है आंकड़ों का जो हमारा टॉपिक uh, था कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे वो हो नहीं पाया तो एक क्लास और डिस्कस करनी पड़ेगी भाई लास्ट लेक्चर तो नहीं कर पाएंगे एक क्लास और डिस्कस करनी पड़ेगी हमें ठीक है तो एक क्लास नेक्स्ट क्लास में हम आंकड़ों का जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हैं उनके बारे में बात करेंगे तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं ठीक है नेक्स्ट लेक्चर इसका लास्ट होगा मैं मिलता हूं तुमसे तुम्हारी सीधा नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टेक केयर टाटा और बाय बाय